हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद का काम जारी है। कुछ मंडियों में गेहूं उठान की रफ्तार बेहद धीमी है। गेहूं उठान न होने से आढ़ती परेशान हो गए हैं। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल और झज्जर से शिकायतें आ रही हैं। गेहूं के धीमे उठान से मंडियों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और उससे पहले सरसों की खरीद चल रही थी, लेकिन कुछ मंडियों में शिकायतें मिल रही हैं कि गेहूं उठान की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसके चलते आढ़ती परेशान है। ये जो शिकायतें हैं ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल और झज्जर से मिल रही हैं। गेहूं के धीमे उठान से मंडियों में पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। ऐसे में आढ़ती जो है वो बेहद परेशान है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद में जो उठान की रफ्तार से जो परेशानी हो रही है, जो धीमी रफ्तार है उठान की, उससे आढ़ती परेशान हो गए हैं। तो कई जगहों से शिकायतें सामने आ रही हैं गेहूं की धीमे उठान के चलते मंडियों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। यानी कि इतना गेहूं मंडियों में मौजूद है कि वहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, झज्जर और पलवल की तस्वीरें हैं। वहाँ की अनाज मंडियों की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेहूं जो है वो रखा हुआ है। ऐसे में जो गेहूं उठान की रफ्तार है वो बेहद सुस्त है, जिसके चलते आढ़ती परेशान हो रहे हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का, अपने संवाददाता अशोक यादव के पास चलते हैं। अशोक, यहाँ पर काफी ज्यादा शिकायत गेहूं की जो उठान की सुस्त रफ्तार है उसको लेकर जो आढ़ती एसोसिएशन है उसने भी प्रदर्शन किया था कल, क्या उसका कोई असर नजर आया? देखिए, कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन का असर नजर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आढ़ती कह रहे हैं और मंडी में किसान भी कह रहे हैं कि गेहूं का उठान किया जाए, क्योंकि मंडियां चारों तरफ से भर चुकी हैं और खचाखच भरी होने की वजह से मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं इस समय मौजूद हूं अनाज मंडी के बिल्कुल बाहर, यानी कि कहा जा सकता है कुरुक्षेत्र के बाहर की वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र का अनाज मंडी जब भर चुकी है तो उसके बाहर गेहूं को जहां तहां डाल दिया गया है, चारों तरफ जहां जहां निगाह जाएगी गेहूं ही गेहूं नजर आएगा। और चारों तरफ गेहूं को जब मंडी भर चुकी है तो उसके बाद बाहर डाला जा रहा है गेहूं, क्योंकि बंपर पैदावार इतनी हुई है। कहीं ना कहीं जहां एक इसका फायदा है कि केंद्रीय जो पूल भंडार है, चाहे वो FCI का है या जो FPID का है, उसमें अब की बार बंपर पैदावार जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ऐसे सोच रही थी कि बारिश की मार या मौसम की मार किसानों पर पड़ी है तो पैदावार कम हुई होगी, यील्ड कम हुई होगी, मगर ऐसा नहीं है। अब की बार दोगुनी पिछले बार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अधिक बंपर पैदावार हुई है, और इसलिए किसानों को या कहा जा सकता है आढ़ती जो है उनको बाहर अनाज मंडी के बाहर भी गेहूं उतारना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, और बार बार आढ़ती भी कह रहे हैं कि जो लिफ्टिंग है उसको तेज किया जाए, और लिफ्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं ये समस्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो क्या अशोक, इस बार की अनाज मंडियां जो है या जो मंडी प्रशासन है वो तैयार नहीं था गेहूं की बंपर आवक के लिए? देखिए, गेहूं की बंपर आवक के लिए पहले प्रदेश सरकार की बात की जाए या आढ़ती की बात की जाए या किसानों को, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी पैदावार होगी, मगर जिस तरह से पहले मौसम की मार पड़ी, फिर उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल से जब गेहूं की खरीद प्रदेश भर के अनाज मंडियों में शुरू हो गई तो 1-2-3 यानी कि पहले 1 हफ्ता तक अनाज मंडी में गेहूं नहीं आई, मगर उसके बाद जैसे जैसे मौसम खुलता गया लगातार गेहूं की आवक बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 6-6.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, मगर अब की बार यानी कि अभी से ही 5.5-6 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है अभी, यानी कि 10-12 दिन और लगेंगे खरीद होने में, और खरीद लगातार इस प्रकार से जारी रहेगी। कहीं ना कहीं यह समस्या जहां किसानों को है, आढ़ती को है, वहीं ये किसान तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि इस तरह किसान अपना अनाज इधर उधर उतारना पड़ रहा है, मंडी चारों तरफ से भर चुकी है, लिफ्टिंग की प्रॉब्लम को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि लिफ्टिंग की समस्या आ रही है, लिफ्टिंग की समस्या को तेज किया जाए। शायद सरकार 1-2 दिन में ऐसा फैसला भी ले सकती है कि अनाज मंडियों में जो गेहूं आया है उसको रोकने की बजाय लिफ्टिंग को तेज किया जाए, तो ये समस्या प्रदेश भर की अनाज मंडियों में खड़ी हो चुकी है। और मंडी प्रशासन क्या कह रहा है अशोक इस सब पर, क्योंकि जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वाकई अपने आप में काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि इतनी ज्यादा गेहूं की बंपर फसल की मंडी के बाहर तक हम देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा भरा हुआ है, गेहूं की फसल वहां पर रखी हुई है। तो ऐसे में मंडी प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों ये देरी हो रही है और कैसे इस मामले को सुलझाया जाएगा? देखिए, मंडी प्रशासन कह रहा है कि आज से लिफ्टिंग को तेज कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं लिफ्टिंग को तेज करते ही
जो मंडी धीरे धीरे खाली होनी शुरू होगी क्योंकि बंपर पैदावार इतनी हो गई है। अब ये कुरुक्षेत्र की जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी के बाहर की तस्वीरें हैं। किसानों को जहां तहां यानी कि कहा जाता है जो सेक्टर है कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5-7 वहां पर भी किसानों को अपनी गेहूं उतारनी पड़ रही है। इतनी गेहूं की बंपर पैदावार हुई है कि कुरुक्षेत्र अनाज मंडी जो मानी जाती है सबसे बड़ी मंडी है वो थानेसर लाडवा 4 विधानसभाएं पड़ती है कुरुक्षेत्र में, सबसे बड़ी अनाज मंडी है कुरुक्षेत्र में। तो उसके अंदर इतनी आवक हो चुकी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अगर आप ट्राली लेकर जाएंगे तो किसान शायद ट्राली लेकर नहीं जा सकता, उनको बाहर अपनी फसलों को उतारना पड़ रहा है। और जो मंडी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो भी कह रहे हैं कि लिफ्टिंग को तेज किया जाएगा क्योंकि बंपर पैदावार इतनी आ चुकी है। पहले मंडी को से अंदर जो फसल आई हुई है उसको उठवाया जाएगा, फिर दूसरी फसल आने की तैयारी की जाएगी क्योंकि लगातार गेहूं की आवक बढ़ती ही जा रही है। मगर सबसे बड़ी ठीक खुशी है कि केंद्रीय पूल भंडार जो है वो अब की बार दोगुनी क्षमता से भरा जा सकता है। हम चलेंगे यमुनानगर, हमारे संवाददाता सुनील कुमार यमुनानगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, यमुनानगर की अनाज मंडी की क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी बंपर गेहूं आया है अनाज मंडी में? चलेंगे अपने संवाददाता के पास, लेकिन हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बम्पर फसल, देखिए किसानों के लिए ये अच्छी खबर है कि फसल बम्पर हुई है इस बार, क्योंकि मौसम की मार जिस तरह से पड़ी थी माना जा रहा था कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन क्योंकि अब मौसम खुला हुआ है, गर्मी पड़ रही है और जो फसल भीगी थी वो सूख भी गई है, तो अब जो किसान हैं वो मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं और फसल इतनी ज़्यादा हो गई है कि मंडियों में अनाज रखने की जगह नहीं बची है। अब ये जो गेहूं की फसल है, ये जो गेहूं को लाया जा रहा है मंडियों के बाहर, इसको रखा जा रहा है और ऐसे में कहीं भी पैर रखने की जगह भी नज़र नहीं आ रही है। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर हमने देखी थी, यमुनानगर की तस्वीर हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने संवाददाता से चलेंगे उनके पास। तो ये इससे पहले हम आपको बता दें कि जो आढ़ती एसोसिएशन है कुरुक्षेत्र का, उसने प्रदर्शन भी किया था क्योंकि लिफ्टिंग जो है वो स्लो है, यानी कि देर से उठाया जा रहा है जो गेहूं रखा है मंडियों में उसको, तो ऐसे में बड़ी चुनौती अभी ये मंडी प्रशासन के लिए हो गया है कि इसकी जो गेहूं उठान की रफ्तार है वो उसको बढ़ानी पड़ेगी ताकि जल्दी जल्दी ये जो गेहूं है ये अनाज मंडी से बाहर निकले और बाकी किसान जो अपनी फसल लेकर आना चाहते हैं उनको जगह मिल पाए। चलेंगे अपने संवाददाता सुनील कुमार के पास। सुनील, हम आपसे यमुनानगर की स्थिति जानना चाह रहे थे, वहां पर बताइए कि क्या वहां पर भी बंपर पैदावार इस बार हुई है, क्या बंपर गेहूं पहुंचा है मंडियों में और वहां पर उठान की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यमुनानगर में अभी तक जो है 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं मंडियों में पहुंच चुकी है, जिसमें से 78,000 मीट्रिक टन जो है उठान हो चुका है। वही 75,000 टन जो है अभी भी मंडियों में पड़ा है, जिसकी वजह से मंडियां जो है अटकी पड़ी है और लगातार यहां पर किसानों की अनाज लेकर जो है मंडियों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से रविवार को छुट्टी वाले दिन जो है प्रशासन की तरफ से खरीद बंद कर दी गई थी ताकि जो है मंडियों में जो गेहूं पड़ी है उसका उठान हो सके और मंडियों में किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिखा दूं तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ पर जो है जो फंड है जहाँ पर गेहूँ सुखाई जाती है वहां पर भी जो है अनाज का अभी जो है स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उठान में देरी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है। यदि बरसात होती है तो यहाँ पर जो है जिस तरह से 20 तारीख को जो है मौसम खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है, उससे लगता है कि यदि ये गेहूं जो है जल्दी उठान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है, क्योंकि गेहूं भीगने का खतरा बना रहता है और गेहूं में मुश्किल आते ही गेहूं खराब हो जाती है, जिसके चलते जो है प्रशासन कहीं ना कहीं जिस तरह से डीसी राहुल हुड्डा ने भी यमुनानगर के जिला प्रशासन को जो है निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है अनाज का उठान हो सके ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और किसानों को भी मंडी में जो आने वाला जो मंडी में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी क्या मंडी प्रशासन पहले से तैयार नहीं था जितनी गेहूं पहुंची है मंडी में उसके लिए? बिल्कुल, जिस तरह से मंडी प्रशासन से बातचीत हुई है उनका पहले ही दावा था कि किसी भी तरह से किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब रहा तो 2-3 जिस तरह 7-8 दिन जो है गेहूँ लेट हुई और एकदम से जो है गेहूँ कटाई शुरू हुई और एकदम से किसानों का आना शुरू हुआ, तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि एकदम से जो है फसल जो है
मंडी में आ जाएगी। अभी जो है अनाज का सीजन जो है गेहूं का जो है पीक पर चला हुआ है और लगातार जो है रोज जो है किसान यहाँ पर अनाज अपना मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। 50% से ज्यादा जो है खेतों से अनाज जो है मंडियों में आ चुका है, जिसके चलते ही इस तरह की परेशानियां सामने आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और हम चलेंगे झज्जर, हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ इस वक्त झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, झज्जर की अनाज मंडी की स्थिति बताइए जरा। जी, झज्जर की मंडी में भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि गेहूं की आवक एकदम से ज्यादा हुई है, जिस वजह से गेहूं की जो है यहाँ पर ऊंची ऊंची ढेरियां लगी हुई हैं। लेकिन उठान में देरी होने के कारण अगर मौसम खराब होता है तो इस गेहूं को नुकसान हो सकता है। किसानों का जो पीला सोना है वो भीगने के कारण खराब भी हो सकता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, पहले भी हर बार इसी तरीके के गेहूं की ऊंची ढेरियां यहाँ पर लगी दिखाई देती हैं। उठान में देरी होती रहती है और इसी के चलते जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखना होगी कि अधिकारी इस ओर कब तक ध्यान देते हैं और कब तक जो है उठान सही ढंग से किया जाता है, क्योंकि अगर उठान नहीं होता है, बरसात आती है, तो गेहूं की जो फसल यहाँ पर स्टोर की गई है वो खराब होने की आशंका बनी। कितना गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है प्रदीप? भारी मात्रा में गेहूं यहां पर पहुंचा है। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रोलियों में रोजाना कई सारे क्विंटल गेहूं लेकर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो खरीद प्रक्रिया है वो तो सही ढंग से चल रही है। लेकिन भारी संख्या में गेहूं एक साथ आने के कारण, उठान सही ढंग से नहीं होने के कारण फिलहाल जो है व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, चरमराई हुई है। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये ठीक हो पाती है, क्योंकि अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि अभी उठान जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से जो है येलो अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश भर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, बरसात हो सकती है, तो इसमें देखते हुए उठान तेज करवाने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए झज्जर से। और हम रुक करेंगे पलवल का, हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पलवल की अनाज मंडियों की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही ये भी कि वहां पर गेहूं के उठान की रफ्तार कैसी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पलवल की अनाज मंडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो उठान गेहूं की जो उठान की स्थिति है वो काफी कछुआ गति से चल रही है, क्योंकि यहाँ जो बताया जा रहा है कि दो ठेकेदारों को गाड़ी के माध्यम से उठान को लेकर ठेका दिया गया है और वो ठेकेदार इसमें लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते जो गेहूं का उठान है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और काफी कछुआ गति से जो गेहूं का उठान है वो चल रहा है। यहाँ किसानों की अगर मैं बात करूँ तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एक तो वैसे ही देरी से जो खरीद थी वो शुरू हुई थी, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन 10 अप्रैल आज हो चुकी है और अब गेहूं की उठान न होने के कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो समय पर नहीं पहुंच पा रही है। किसानों ने भी प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गेहूं का उठान किया जाए, जिससे कि उनकी जो पेमेंट है समय रहते खातों में पहुंच जी। बिल्कुल, कितना गेहूं यहाँ पर मौजूद होगा, अभी कितना गेहूं पहुंच चुका है मंडी में? जी बिल्कुल, देखिए मैं पलवल अनाज मंडी की बात करूँ तो यहाँ करीब 6 टीन सेट बनाए गए हैं और 4 टीन सेट बिल्कुल जो है गेहूं से भर चुके हैं और उठान को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी लगातार मांग है कि समय रहते उठान किया जाए। यहाँ जो उठान को लेकर 2 ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है जो कि इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, इसी को लेकर जो उठान की जो गति है वो काफी कछुआ गति से चल रही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।